नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस प्री 2020 का एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुका है। आपको हम बताने वाले एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। बहुत से लोगों के पास फॉर्म नंबर नहीं है, वो भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बता दें, इसका एग्जाम जो है 11 अक्टूबर को होने वाला है। आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर को होना है और बहुत से शहर में होना है, जैसे कि आगरा, प्रयागराज, आजम, बरेली, बाराबंकी, लखनऊ, मेरठ, लगभग उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में इसका आयोजन होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और साथ ही साथ ये भी बताएंगे जिनको अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं पता वो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको नंबर 1 वेबसाइट RozgarRizult.com को ओपन करना है। दोस्तों ध्यान है, RozgarRizult.com बहुत ही ट्रस्टेबल, जेन्युइन और बहुत ही तेज अपडेट वेबसाइट। आपको इस पे जाना है। एडमिट कार्ड सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 का एडमिट कार्ड है, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक साइट और बता देता हूँ, फिर मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हमारी दूसरी वेबसाइट है SarkariRizult.com। जी हाँ दोस्तों, ट्रस्टेबल और विश्वसनीय वेबसाइट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी सरकारी रिजल्ट खोलना है लास्ट में .com जरूर लगाना है, ताकि आप किसी नकली और डुप्लीकेट वेबसाइट पे ना पहुंचे। सन 2012 से लेकर अब तक की सबसे विश्वसनीय वेबसाइट SarkariRizult.com ही खोलिए। तो सीधा हम चलते हैं एडमिट कार्ड सेक्शन में। तो एडमिट कार्ड पर हम क्लिक कर देते हैं। तो एग्जाम आपको बता दिया था मैंने, इसका जो एग्जाम 11 अक्टूबर को, एडमिट कार्ड 29 सितंबर से उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो लोग अपना यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। जिनको अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं पता तो देख सकते हैं, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, अपना पूरा नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा डालेंगे। आपने अब तक यूपीपीसीएस के जितने भी फॉर्म भरे हैं उसका एडमिट कार्ड आपका खुल जाएगा, सबका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, जेंडर डाल दिया और एक कैप्चा जिस तरीके से इसमें लिखा है उस तरह डाल के इसका डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने सबमिट किया। सबमिट करते ही मैंने आप देख सकते हैं पूरा आपका खुल के आ गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका एग्जामिनेशन सेंटर, आपका डोमिसाइल, सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी डाल दिखाई देगी आपको जो है यहाँ पे आपकी, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर है और सेंटर कोड है, सारी चीज़ें देंगे। और मैं बात करूँ इंस्ट्रक्शन की, तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपनी एक सिग्नेचर करना है, और नीचे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शन जो है दिया हुआ है, जिसमें आपको जो जो आपका कोविड का इंस्ट्रक्शन है वो तो फॉलो करना ही है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर है, खुद की पानी बोतल है, ये सारी चीज़ें आपको जो है फॉलो करनी है। और साथ ही साथ आपको 2 फोटोग्राफ जो है सेंटर पर लेके जाने हैं इस एडमिट कार्ड के साथ। बिल्कुल आपको ध्यान देना है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही वेन्यू पर जाइए। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप वहाँ पर हेल्प डेस्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड निकालने में अभी भी किसी प्रकार की समस्या आई तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।